हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है इंडोट्रिक सी टी चैनल में। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोब्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स पे। माइक्रोब्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर मीन्स माइक्रोब्स का क्या क्या यूज़ है बायो फर्टिलाइजर में। मैन्योर जो बनते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो भी यूज़फुल रहते हैं बायो फैक्ट्रीज में या फिर बायो फर्टिलाइजर में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विद आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट पोटेंशियल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कॉन्करन डेट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द एवरी इंक्रीजिंग। फर्टिलाइजर जो होते हैं और जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, वो हमारी नीड को तो पूरा करते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं रहते। डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज डेट देर आर प्रोबेबली एसोसिएटेड विद द ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स के ओवर यूज़ के साथ साथ प्रॉब्लम भी क्रिएट होने ही लगती हैं। एंड देयर इज़ अ लार्ज प्रेशर ऑफ स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और फिर जैसे जैसे वो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसकी वजह से प्रेशर भी आने लगा कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा करनी चाहिए। द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म डेट एनरिच द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द सॉइल। अब जो बायो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करेंगे एज अ ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो हमारी यूज़फुल रहती है न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो न्यूट्रिशन क्वालिटी रहती है वो मेंटेन करके रखती है और बढ़ा देती है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम फार्मिंग करें, द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया। जो मेन सोर्सेज हैं वो है बैक्टीरिया, फंजाई है और साइनोबैक्टीरिया है। यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑफ द रूट। जो रूट के अंदर नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो गांठें से बन जाती हैं, गांठें रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर्म बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम। अब वो जो बनती हैं गांठे, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है राइबोसोम का। राइबोसोम के सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, वो फिक्सिंग का काम कर देती है ऑर्गेनिक फॉर्म्स में। अब यहाँ पे ये पूरी लाइन्स हमें डिटेल में गिवन है। यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो नोड्यूल बन जाते हैं रूट में लेग्यूमिनस प्लांट के, फॉर्म बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब कि किसी दो चीज़ के बीच में एक एसोसिएशन, एक होस्ट और एक पैरासाइट, मतलब कि दोनों चीज़ एक दूसरे के लिए मदद के लिए काम करेंगी, वो से होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और वो बनता है राइबोसोम का। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। अब ये जो बैक्टीरिया राइबोसोम यूज़ होता है उसमें रूट में, वो उसे नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स करने के लिए काम देता है और प्लांट उसको एक शेल्टर प्रोवाइड कर देता है। तो बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट। अब प्लांट उस चीज़ को जो राइबोसोम फिक्स करेगा प्लांट के अंदर, उसे न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेने लगेगा। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फ्री लिविंगली सॉइल में फिक्स आउट करते हैं, मतलब सॉइल में उन्हें घुलाते हैं, जिसे कहते हैं एजोस्पेरल और एजोटो बैक्टीरिया, दस एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। जो हमारे सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट एनरिच कर देते हैं। फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट। हमें पता है जैसे जो फंजाई है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करती है प्लांट के साथ, जिसे हम माइक्रोराइजा कहते हैं। 11th में हमने ये पढ़ रखा है, माइक्रोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट। मैनी मेम्बर ऑफ जीनस ग्लोमस। अब जो ग्लोमस के बहुत सारे मेम्बर हैं फॉर्म माइक्रोराइजा। जो भी ग्लोमस के मेंबर हैं वो माइक्रोराइजा फॉर्म करते हैं। माइक्रोराइजा हमें पढ़ लिया है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई और प्लांट के बीच में। द फंजाई सिम्बायोटिक इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड फीड्स इट टू द प्लांट। अब प्लांट को फॉस्फोरस मिल जाएगा तो उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर अच्छा बन जाएगा, जिसकी उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो फंजाई के लिए एक रहने की जगह मिल गई और प्लांट के लिए भी फायदा है कि उसे फॉस्फोरस मिल जाएगा। वो एब्जॉर्ब करने में मदद करती है फंजाई फॉस्फोरस को। फ्रॉम अदर बेनिफिशियल एंड अदर बेनिफिट्स आल्सो सच एज रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट हैव सच एज एसोसिएशन हु अदर बेनिफिशियल आल्सो सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बोर पैथोजेंस। अब रूट को जो खराब करने वाले कीड़े मकौड़े होते हैं उनसे भी ये रेजिस्ट करती है फंजाई की, जो माइक्रोराइजा के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बैठता है प्लांट और फंजाई का। टॉलरेंस करती है टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। अब टॉलरेंस मतलब उस चीज़ को झेलना, सैलिनिटी ज़्यादा नमकीनापन या ज़्यादा सूखापन आ जाए उस चीज़ को झेल लेती है। एंड ऑन
ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फॉस्फरस एब्जॉर्ब होता है, एक ये चीज़ हो गई, टॉलरेंट कर लेती है सैलिनिटी और ड्रॉट को, सूखापन या फिर नमकीली चीज़ को, और प्लांट ग्रोथ, ओवरऑल प्लांट ग्रोथ और प्लांट को डेवलप करने में मदद करती है। फिर कैन यू टेल दैट व्हाट एडवांटेज ऑफ द फंगस ड्राइव फ्रॉम द एसोसिएशन। अब मैंने ये बता दिया, फॉस्फोरस टॉलरेंस के लिए हेल्प करती है और ये पासेस प्लांट्स, यही सब है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स। साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं, वाइडली डिस्ट्रप्टेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स। साइनोबैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना बनाते हैं अपने आप, वाइडली डिस्ट्रप्टेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये वाइडली बहुत ज़्यादा तादाद में फैले हुए हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में, पानी में और पानी जैसे कुछ जगहों में, मतलब कि जो भी ह्यूमिडिटी वाले एरिया होंगे में, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल यहाँ पे हमें गिवन है। विच ऑफ कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं साइनोबैक्टीरिया जो है हमारे पास। एग्जाम्पल एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेट्रिया एक्सेट्रा इन पैडी फील्ड। पैडी के जो फील्ड होते हैं पैडी, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। अब पैडी के जो फील्ड्स हैं वहाँ पे हमारा साइनोबैक्टीरिया एज अ मेन बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो एडिड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। अब जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, बैक्टीरिया का ही फॉर्म है, ब्लू ग्रीन एल्गी शुड आल्सो एडिड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ये और ऐड कर देती है एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और इसकी फर्टिलिटी बढ़ा देती है। सर्टेनली इन आर कंट्री, अभी हमारी कंट्री में नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल कॉमर्शली इन द मार्केट। अब बायो फर्टिलाइजर जो है हमारी कंट्री में कॉमर्शली खरीदे जा सकते हैं, एंड फार्मर्स यूज दिस रेगुलरली, और फार्मर्स इसे अपनी फील्ड को अच्छा करने के लिए रेगुलरली यूज़ भी कर रहे हैं टू रिप्लेनिश जो अपनी उनकी सॉइल की न्यूट्रिशन है, उसे दोबारा हम जागरूक कर सकें, मतलब वापस पा सकें सॉइल के न्यूट्रिशन को, और रिड्यूस कर सकें डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर तो एंड हो गया, अब हम आते हैं अपनी समरी के ऊपर। तो समरी की वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।